अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इंटरव्यू का हमने लेक्चर बना लिया था। पार्ट वन में थोड़ा टोटल डिटेल थी पूरे स्किल टेस्ट की। जो इसका पार्ट टू बनाया था उसमें इंटरव्यू के डिटेल से सब कुछ, क्वेश्चन आंसर और इंट्रोडक्शन। इंटरव्यू में दो तीन चीज़ें होती हैं, इंटरव्यू होता है, डायरेक्शन होती हैं और क्वेश्चन आंसर अलग से होते हैं। तो वो इसके पार्ट टू में बना दिया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि स्किल टेस्ट में जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर टूल्स जो होते हैं वो पूछे जाते हैं बाय इंस्ट्रक्टर से, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बट उससे पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें। और स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। इसके टूल्स हैं जो कि आई थिंक 56 से 60 टूल्स होंगे जो आपको करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला लिखा हुआ है, पहला वर्ड है मोप छांगप ग्लव्स। ये ग्लव्स हैं सेफ्टी के लिए जो सा यूज होता है, ये वो चीज है। मोक छंगप ग्लव्स हो गया। देन उसके बाद आ गया अनजोन मो सेफ्टी हेलमेट, जो सेफ्टी हेलमेट पहना जाता है सर पे। तीसरी वीक आ गई जी फंगछिन मास्क है। फंगछिन मास्क हो गया ये डस्ट फ्री मास्क है जो आगे मुंह के आगे पहना जाता है। उसके आगे आ गया वी सेंग फोक सैनिटेशन सूट वगैरह हो गया, ये सेफ्टी सूट होता है। तो आगे जो सा है वो नीचे लिखा हुआ है थड़ाई बो स्क्रू ड्राइवर हो गया। ये उन्होंने जूम करके बता दिया ये किस तरह का होता है, एक वो पेच वगैरह दूसरा होता है, ये स्क्रू ड्राइवर हो गए। उसके आगे आ गया निपो निपर्स हो गया, ये आपके सामने टूल है वायर कट करने वाली। देन आगे आ गया रोंग नोज फलाइयो रोंग नोज है फलाइयो। उसके आगे आ गया फेंची फेंची हो गया पिंसर्स हो गया, तो ये आपके सामने प्लास वगैरह हो गया। तो उसके आगे जो सा है वो आ गया सफेनो सफेनो स्पेनर हो गया। थोप सा आड़ी हो गया। मंगछी हैमर हो गया। कल कटर हो गया। देन उसके आगे हो गया छोंगी थारिल हो गया इलेक्ट्रिक ड्रिल, ये छोंगी इलेक्ट्रिक हो गया। और ये धरिल ड्रिल हो गया, ड्रिल मशीन होती है जो द्वार में सुराख वगैरह करने के लिए यूज होती है। खावी हो गया सीजर हो गया कैंची हो गया। छुलजा हो गया रूलर हो गया जिसे वो पैमाइश वगैरह करते हैं नाप वगैरह लेते हैं। उसके आगे आ गया फोनियो खाली फोसा फोनियो खाली फोसा वर्नियर कैलिपर हो गया, ये टूल यूज होता है लाइक ये डाइव वगैरह बनाने के लिए और दूसरी तीसरी चीजों के लिए जो छोटे से छोटे सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स वगैरह जो उन्होंने काउंट करने होते हैं। तो ये हो गया। उसके आगे आ गया छोल स्केल स्केल मीन का जिसे वो वजन वगैरह तोलते हैं, तो ये स्केल हो गया। उसके आगे आ गया नासा मोत स्क्रू हो गया नासा मोत स्क्रू हो गया, तो ये जिसके नोक वगैरह आगे से होती है। उसके आगे जो सा ये नथ और बोल्ट इनफ है नट बोल्ट हो गया, ये इधर इधर ले याद करने की जरूरत नहीं है। तो उसके आगे आ गया सादाड़ी लैडर हो गया, तो वैसे अगर पढ़ना है तो ये अम नासा हो गया और सू नासा हो गया बट इट्स ओके नथ और बोल्ट इनफ है। तो उसके बाद जो सा है वो आपने करना है नीचे आ गया हैंद फलेथ हैंद फलेथ वो चीजें इसके ऊपर रखे हाथ से जो सा लेके जाते हैं, तो ये हो गया। तो इसके अलावा इसे फलेथ थारोप भी कह सकते हैं फलेथ ट्रक वगैरह। उसके अलावा जो सा है नेक्स्ट हैंथ का हो गया कि हैंड कार्ड हो गया चीजें रखी यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं। उसके अलावा हो गया थेच्छा टेबल हो गया। देन उसके आगे आ गया फलेथ पलेट हो गई पैलेट हो गई, ये इसके ऊपर चीजें वगैरह जो सी वो रखी जाती हैं वगैरह, तो ये हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं फक्सा बॉक्स हो गया, फागुनी बास्केट हो गई, खोंगू हम टूल बॉक्स हो गया, खोंगू कैबिनेट टूल कैबिनेट हो गया, ये बड़ा टूल होता है जो बड़ी थोड़ी बड़ी इंडस्ट्री टाइप होती है या इलेक्ट्रिशियन भी थोड़े बड़े होते हैं उनके पास ये सारी चीजें जो होती हैं टूल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, ये एक लाइक कबर्ड टाइप है।
तो जिस तरह कपड़ों की अलमारी होती है इस तरह इनकी एक कवर्ड होती है जिसमें हर तरह का साइज की जो चीज होती है वो रखी होती है। देन जो है जो हमने करना है वो है ये माथे आ गया और चारू आ गया, ये बैग वगैरह टाइप होते हैं, बैग वगैरह टाइप होते हैं वो कूड़ा करकट वगैरह डालने के लिए। तो ये हो गया, आगे आ गया सब हो गया, शोवल हो गया, ये आपके सामने ये जा रहा जिससे वो मिट्टी शिट्टी उठा के बेलचा वगैरह टाइप कहते हैं। तो फित जारू जारू टाइप हो गए, सारेगी फतकी डस्ट पैन हो गया, सारेगी का मतलब गंद होता है, फतकी डस्ट पैन हो गया, ये इसको वो घरों में वगैरह यूज करने के लिए जो चीजें इसके ऊपर डालते हैं मिट्टी वगैरह और बाद में ठा लेते हैं। तो उसके बाद जी यहाँ पर आ गया फंग छोंगयू लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, ये वो मशीनरी वगैरह के अंदर जो ऑयल वगैरह डालते हैं वो चीज उन्हें स्मूद करने के लिए, चेन वगैरह मोटरसाइकिल चेन वगैरह इंजन को इस तरह के जो ऑयल्स वगैरह होते हैं तो वो हो गया। उसके आगे आ गया सोहवागी हो गया, ये फायर होता है एक्सटिंग्विशर होता है, ये जब आग लग गया तो इसमें वो ऑक्सीजन टाइप होती है इससे आग खत्म हो जाती है, तो ये सेफ्टी के लिए बिल्डिंग्स में रखा होता है, मस्ट होता है। उसके आगे आ गया फिनिल कन विनाइल रोप हो गया, तो ये विनाइल रोप हो गई, तो ये आपके सामने टूल है तो देख लें। तो उसके आगे आ गया थेप टेप हो गया, तो ये टेप भी आपके सामने ही है, वो जो टेप वगैरह यूज करते हैं लगाने के लिए, क्या एक्सप्लेन करूँ आपके सामने है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद आ गया कि पावर स्ट्रिप आ गया, मोल्थी थेप पावर स्ट्रिप हो गया, वो रीड वगैरह जिसे हम कहते हैं। उसके आगे आ गया छोनसोन रील इलेक्ट्रिक केबल वगैरह होती है, रील है ये उसकी पूरी। स्विच हो गए, दोनों स्विच के टाइप हैं, तो ये मशीनरी के अंदर स्विच इस तरह के लगे होते हैं और ये घरों के अंदर वगैरह और कोई इस तरह के लगे होते हैं। तो एग्जॉस्ट फैन होता है, हवान फुंगी एग्जॉस्ट फैन हो गया जिसे हवा वो बाहर की तरफ फेंकता है। तो ये सर्किट ब्रेकर हो गए जी, आपके उसमें लगे होते हैं ब्रेकर मीटर वगैरह में घर के अंदर जो लगा होता है, तो इसे हम पढ़ेंगे नू जोन छाथनगी सर्किट ब्रेकर। उसके आगे आ गया हवारोशी होमगी सर्किट टेस्टर के करंट कितना आ रहा कितना नहीं आता, ये सर्किट टेस्टर होता है। उसके आगे आ गया सोन जोन थंग फ्लैश लाइट हो गया जिसे लाइट वगैरह जलाते हैं, ये लाइट वो वर्किंग लाइट होती है। छागो दंग, छागो का मतलब वर्क होता है और लाइट वर्किंग लाइट हो गई। उसके आगे जी ये देख रहे हैं आप ड्रम वगैरह पड़े हुए हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे थारोम ड्रम्स वगैरह को। छीगे छा फोर्ट लिफ्ट होती है जिसके आगे ये मशीन के थ्रू अक्सर वार्डनों के पास भी होती है और इंडस्ट्री में भी होती है हैवी इक्विपमेंट उठाने के लिए। उसके आगे हम पढ़ेंगे एओ कंप्रेसर, तो ये एयर कंप्रेसर होता है, तो आपके सामने मशीन है वाह वगैरह के लिए जो होती है। फेंथिंगी बेंडर होता है, ये रैपर होता है वो उसे पेस्ट वगैरह करने के लिए यूज होता है। उसके बाद जो सा आ जाता है कंट्रोल पैनल आ जाता है, ये कंट्रोल पैनल भी उधर लगे होते हैं जिसमें सारा वो कंट्रोल किया होता है लाइट्स वगैरह ये चीज ईच एंड एवरीथिंग जो सी होती है। तो ये कंट्रोल पैनल अक्सर वो इलेक्ट्रिक जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं उनके पास भी इस तरह की एक होती है उस टाइप की है। तो इसे हम पढ़ेंगे कॉन्थरोल पैनल, तो इस तरह के जो होइस्ट ये चीजें वगैरह उठाने के लिए वजनी सामान जो बिल्डिंग वगैरह पे लेके उठानी वगैरह होती है इसके लिए इस्तेमाल होती है। उसके आगे आ गया पाइप रेंच हो गया, सॉकेट रेंच हो गया। उसके बाद जो सा आ गया सोअप छोनगी, ये हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी वार्निंग के लिए होता है कि इधर बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक की जो सी आप उसे बड़ी सी उसको क्या कह सकते हैं जो इनके मीटर्स टाइप होते हैं उनको नाम एकदम भूल गया हूँ मैं, तो वो हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक उन्होंने साइन बताया हुआ है कि इधर ना जाए, हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट है यहाँ पे, तो सिंपल। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है मुलछे ही थोंग खमजी प्रोहिबिशन ऑफ मूविंग एटम्स, के इधर से चीजें वगैरह जो सी वो आप ना मूव वगैरह करें
जिधर पढ़ी है उधर पढ़ी रहने दे। तो उसके आगे लिखा हुआ है वोन ह्योंग थोप, सर्किट सा हो गया, मीन के पहले आड़ी थी अब ये आड़ी कटिंग ही कर, बट ये इलेक्ट्रिक मशीन के साथ कटर है। देन जो नेक्स्ट है वो लिखा हुआ है कि ये सिक्योरिटी मास्क है होन म्योन छाग्योंग, तो ये वर्ड हो गया होन म्योन छाग्योंग सिक्योरिटी मास्क हो गया। और लास्ट में जो उनसे है वो आ गया युकन रेंचे, ये युकन रेंची हो गया, हेक्सागोन रेंच वगैरह हो गया, डिफरेंट साइज के हैं। उसके आगे हो गया कॉशन, मीन होता है कि एहतियात करें सिगरेट वगैरह जो ना पिए ये वो ऑयल वगैरह के करीब, इस तरह उस तरह पेट्रोल पंप वगैरह पे इस तरह वगैरह ये लगी होती हैं तो आग लग जाती है, कि पेट्रोल वगैरह के जो भी इस तरह का लिक्विड हो उसके करीब जो है आग वगैरह से की चीज़ों से परहेज करें। तो हवागी ओमघम हो गया, उसके आगे आ गया सेफ्टी हेलमेट, अंजोन मो हो गया, उसके आगे आ गया छा ग्योंग सेफ्टी हेलमेट हो गया, उसके आगे आ गया फाइस अवाइस हो गया, ये इसके अंदर चीज अगर ये आपने देखी होगी जो चाबी डुप्लीकेट वगैरह बनाते हैं इलेक्ट्रिशियन वालों के पास, वो इसके अंदर फंसा के जो सा ये टाइट करके बाद में अपने मुताबिक उस चीज को डालते हैं। तो यहाँ पे जो सा लेक्चर खत्म होता है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।